मैं विक्रम लहरे अनुसूचित जाति समाज का बस्तर जिला अध्यक्ष हूँ और SC ST समुदाय के द्वारा ये रैली निकाली गई है। आज बंद का आह्वान किया गया था और कारण यह है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पे जो कोटे के ऊपर कोटा करके क्रिमिनलाइज करके एक कानून जो है हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये सरासर गलत है। ऐसे में हमारे हक अधिकार को ये मारने के प्रयास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके हम विरोध में आज एक दिवसीय पूरे भारत बंद का ऐलान किए जिसमें आज पूरा धरना चल रहा है। छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी धाम में एक मामला हुआ था बलौदा बाजार जिले में, SP कार्यालय कलेक्टर कार्यालय में आग लग गई थी और समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित थे। कम से कम 180-190 लोग जेल में बंद हैं। उस मामले पे आप क्या कहेंगे? बलौदा बाजार का घटना जग जाहिर है और हमने देखा है कि सतनामी समाज शांतिप्रिय ढंग से हमेशा अपनी बातों को रखे हैं। उस दिन भी यही हुआ था, हमने अपनी बातों को एक महीने से बता के सरकार को आवेदन के ऊपर आवेदन और बातें रखी थी लेकिन सरकार नहीं सुनी, क्योंकि जिसकी भाजपा की सरकार है बिल्कुल नहीं सुनी। उनके बाद हमने शांतिप्रिय ढंग से एक जगह समर्थन देने के रूप में बैठे हुए थे शांतिप्रिय तरीके से, और कोई अशांति समाज के लोग दूसरे अन्य लोग जो हैं वो अंदर में हमारे समाज के अंदर घुस के ये अचानक आगजनी और ये सब चीज़ कर गए, तो उसमें हमारे जो सतामी समाज के लोग दोषी नहीं थे और निर्दोष लोगों को मारा गया, पीटा गया और जेल में भर दिया गया और जो दोषी वो आज भी बाहर हैं। उसी मामले को लेके आपका सतनामी समाज संविधान यात्रा के रूप में 16 तारीख से 17 तारीख से निकला हुआ है जी, उस रैली में आप लोगों का क्या योगदान है? बिल्कुल सर, हमारी समाज जो है जहाँ जहाँ है हम उनके साथ में हमेशा थे हैं और रहेंगे, और जब जब ऐसा हमारे साथ अन्याय होता रहेगा हम पूरे समाज के लोग मिलजुल कर इसी प्रकार धरना आंदोलन और सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। ये थे क्या नाम बताया? विक्रम लहरे। विक्रम लहरे जी SC ST समाज के प्रमुख है जगदलपुर के।